कामयाब लोगों की कीमती बातें। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी रोजाना की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और अल्लाह पाक आपको जरा सी इबादत पर थाम लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन का नाफरमान और हमेशा शराब पीने वाला दाखिल जन्नत ना होगा। ये मत देखो कि कोई तुम्हारे साथ मुखलिस है या नहीं, तुम खुद हर रिश्ते के साथ हर अपने के साथ मुखलिस रहो। अगर कोई तुम्हारे साथ मुनाफत करेगा तो वह इसका सिला अल्लाह से पालेगा और तुम्हें तुम्हारी मुखलसी तुम्हारी सच्चाई का जरबी अल्लाह देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। जिंदगी में हर मौका से फ़ायदा उठाओ लेकिन किसी के भरोसे और जज्बात का नहीं। कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, लेकिन जिंदगी में दो ही अपने होते हैं, एक खुद दूसरा खुदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर एक चीज़ की चाबी होती है और तमाम आसमानों की चाबी ला इलाहा इल्लल्ला है। हजरत हुसैन ने फरमाया, मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, हर वो आदमी जो ज़रूरतों के वक़्त मोहब्बतों को तर्क कर देता है वो आदमी वफादारी नहीं पाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में माफिस होते हैं। हज़रत इमाम अली ने फरमाया, जो दुख दे उसे छोड़ दो लेकिन जिसे छोड़ दो उसे दुख मत दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाजों में एक नमाज ऐसी है कि जिसे वो छूट जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद हो गई और वो असर की नमाज है। सजदे तो सब ने किए तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों की नस्लें बेटों से चलती हैं, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनहगार के आंसू अल्लाह ताला का गजब ठंडा कर देते हैं। करबला वहद दस्तगाह है जहां लोगों को इंसानियत का सबक मिलता है।